चाय भले ही पी लेना लेकिन भूल करके भी सुबह खाली पेट चाय मत पीना, यानी बैड टी। ये बहुत नुकसानदायक है। किस तरह से, मैं पूरा गाइड करूँगा, डीप जा कर के आपको बारीक बारीक चीज़ें बताऊँगा, जिसके बाद आप कहेंगे अच्छा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री पिछले 20 वर्षों से योग, आयुर्वेद और हमारे ऋषियों की पावनी परंपरा पे काम कर रहा हूँ, और मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आप तक अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का ज्ञान आप तक पहुँचाने में निमित्त बन रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि चाय, हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि आपके स्टमक के अंदर जाकर के गैस्ट्रिक ट्रबल क्रिएट करते हैं, गैस बनाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुश्क तासीर की है। हालांकि इसमें कई लोग दूध डाल करके पीते हैं तो कुछ ना कुछ ये ठीक लगती है, स्वादिष्ट है। थोड़ा चार व्यक्ति जब बैठते हैं तो सबसे पहले चाय का नाम आता है, क्योंकि ये कभी भी ले लेते हैं लोग, इसका कोई ज़्यादा और शरीर के लिए कोई पेट में जगह हो ना हो इतना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इसको ज़्यादा प्रमोशन लोगों ने ज़्यादा अडेप्ट कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें जो एसिडिक तत्व होते हैं, वॉलाटाइल, थिन, कार्बोलिक एसिड, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये अगर सुबह आप पीते हैं खाली पेट तो रात भर पेट बिल्कुल रेस्ट में था। सुबह जाते ही पेट की लाइनिंग, जो कि बड़ी नाजुक होती है, बड़ी कोमल होती है, उस पे जाके जब चाय लगती है तो आपके बहुत सारे स्टमक की लाइनिंग के सेल्स, जो कि खाना पचाने, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में काम आते हैं, उन पे जाके अटैक करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको अरुचि हो जाती है, भूख कम लगती है, आपको तीखी भूख, खाना देखते ही ऊपर टूट पड़ने वाली भूख, ये ख़त्म ही हो जाती है। आपको लगता है शायद मैं ज़्यादा व्यायाम नहीं करता या दौड़ भाग कम करता इसलिए ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे चाय का भी एक रोल है। और दूसरा जो है कि जो सुबह सुबह ही आपने चाय ले ली, सबसे पहले सुबह रात को पेट रेस्ट कर रहा होता है और सुबह उसको बहुत ज़्यादा, उसके पास एनर्जी होती है कुछ ताकतवर चीज़ पचाने की। तो कई लोग तो बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, वो भी, उनका भी चेहरा मुरझा जाता है, खाना मिलता नहीं शरीर को, कुछ पोषक तत्व तो मिलता नहीं। कई लोग भूखे तो नहीं रहते लेकिन चाय पी लेते हैं, तो उनको भी सुबह न्यूट्रिशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पत्ती और दूध हल्का फुल्का, वो भी पत्ती के संपर्क में आने से उसके भी गुण चले जाते हैं, तो ये मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, वो पेट एब्जॉर्ब कर लेता है, इतना उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, फिर वही चेहरे पर झलकता है। मैंने एक कहावत पढ़ी थी, वंस ऑन योर लिप्स फॉर एवर ऑन योर हिप्स, यानी उदाहरण से अगर मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, कि जो आपने एक बार होठों पे, जुबान पे लगा के खा लिया, अब वो पेट में चला गया, वो आपके अंदर रहने वाला है, तो आपके अंदर जाके ही दिख, आपके ऊपर ही बाहर रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो कई लोग कहते हैं ना, हमारा शरीर नहीं साथ दे रहा, हम बड़े थके हैं, चेहरा मुरझाया है, ऊर्जा नहीं है, देखने वाला कह रहा है ये बड़ा उदास है, तो ये आपके आहार को ही आपने किसी ना किसी ढंग से कुछ ऐसा बना लिया है, आपको लगता है कि ये मेरा नॉर्मल है, इट्स ओके, यही होता है, यही सही है। लेकिन वो सही शायद ना हो, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट थोड़ी अच्छी डिमांड है उसकी, आप उसको नहीं सुन रहे हैं, आप खाली सुबह टी लेते हैं, तो एसिडिक पीएच लेवल भी बिगड़ता है पेट का, स्टमक का, एपिगैस्ट्रियम पार्ट का, तो वो ऊपर तेजाब आना, खट्टी डकारें आना, फिर आप कहते हैं जी मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप पहले गैस का कैप्सूल ले लिया करो फिर लिया करो चाय, ये भी एक कहीं ना कहीं ये वो हो गया हाथी जैसा स्नान, एक तरफ नहा लिया, एक तरफ फिर मिट्टी धूल उड़ेल ली, तो एक तरफ आप अपने आप को कोई अच्छी आयुर्वेदिक चीज़ ले रहे हैं, कोई आंवला पी रहा है, कोई एलोवेरा पी रहा है, उन चीज़ों का फ़ायदा भी लेना चाह रहा है, ऊपर से फिर एक चाय पी रहा है। तो ये बेड टी को बिल्कुल अवॉइड करें, मैं कहना चाहूँगा। इसकी जगह पे सुबह आप, मैंने अभी बोला, आंवला एलोवेरा पिए, आप कोई ठंडाई बना करके पिए, आप इसकी जगह पे सुबह सुबह जूस फलों का, अगर आपको कमजोरी है तो पिए, अगर आपको कमजोरी नहीं है, वजन बहुत ज़्यादा है, तो सब्जियों का जूस पिए, अगर आपको वीर्य बल की और ओज तेज की कमी है तो आप लस्सी पिए, आप छाछ पिए, आप दही दिखाएं। खाली पेट दही खाने से इतने अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, कि वो सारी रात भर की, जैसे आपने रात को कई बार आपने अपना शैंक जिसमें बर्तन धोते हैं उसको छोड़ देते हैं, सुबह उसको देखते हैं जाके उसमें बदबू आ रही होती है,
रात को खाना फर्मेंट हो गया, उसके अंदर पड़ा पड़ा कुछ कण वो गैस बनाने लगे, बदबू पैदा करने लगे। वही चीज़ पेट में भी होती है, वही चीज़ आंतों में भी होती है। तो जब सुबह दही खा लेते हैं खाली पेट, सिर्फ वर्षा ऋतु छोड़ के, बरसात में नमी वाली चीज़ नहीं देनी है, दही नमी वाली होती है। इसलिए बाकी सर्दी हो या गर्मी हो, दही लिया जा सकता है। भले ही दही की तासीर गर्म है, लेकिन गर्म तर है इसलिए यह गर्मी नहीं करता। तो आप ले सकते हैं इसमें थोड़ी मिश्री, थोड़ा गुड़, थोड़ा बूरा मिला करके, दो चार चम्मच पानी मिला लें इसमें, दही में फेंट लें, उसकी जो फुट्टियाँ हैं वो ब्लेंड कर लें, तो और भी गुणकारी। फिर वो बहुत गर्म भी नहीं रहता है, बड़ा सौम्य हो जाता है। ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। फल लीजिए छिलके वाले, सुबह जो भी खाया आंवला गाजर, वो दिन भर उन चीज़ों का इतना लाभ इतना गुण नहीं आता, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह के समय ऐसी औषधि दो जो मास्टर मेडिसिन हो। वो मास्टर टाइम गिना जाता है आयुर्वेद के साथ, काल होता है आयुर्वेद में औषधियों का। तो ये बहुत अच्छा एक मुख्य काल गिना गया है औषधि सेवन का भी। इसलिए कोई ऐसी औषधि वैद्य ने आपको परम दी है, बच्चे और गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग छोड़ के बाकी सब खाली पेट ही लें। खाली पेट उठ के पानी पिए बासी, रात का रखा तांबे के बर्तन का, गर्मी है तो चांदी के बर्तन का, अगर आवाज़ तुतलाती है या बहुत बच्चे लंबे नहीं हो रहे तो शंख में भर के पानी पिलाएँ, ये सब चीज़ें करें। और अगर निमोनिया है या अल्सर है तो फिर खाली पेट पानी ना दें उनको। खाली पेट थोड़ा बहुत छाछ पीनी चाहिए, अगर किसी को अल्सर है तो नमकीन छाछ ली जा सकती है। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप चाय एक चीज़ है, माना कि बहुत अच्छी लगती है आपको, ठीक है, कभी आप चार लोगों में बैठे हैं, आप बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहते, आप मुझे इतना भी रिजिड स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकते, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सुबह की अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर आपके पेशाब के साथ ही आपके ब्लैडर तक से, यूरिनरी ब्लैडर तक से अंदर की लाइनिंग के सेल्स, जो बॉडी का पार्ट है असल में, वो निकलता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने कोई ज़्यादा तेजाबी चीज़ खा ली, एसिडिक चीज़ खा ली, तो आपके मुंह के अंदर का मांस उतरने लग जाता है ना। इसी तरह जब आप चाय सुबह सुबह रोज़ लेते हैं तो आपके आंतों के अंदर से, आपके पेट के अंदर से, कहीं ना कहीं से यूरिनरी ब्लैडर से लास्ट तक उसकी एसिडिटी जहाँ जहाँ जाती है वो मांस उतरता है, सेल्स डैमेज होते हैं, आपके चेहरे की झुर्रियाँ रिंकल्स जल्दी आते हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप जल्दी बूढ़े हों, मेरे को खुशी होगी जब आप लोगों को प्राउड से कहें कि भाई हम तो इतनी उम्र के हैं, और लोग आपको कहें अच्छा आप तो लगते ही नहीं। ये चीज़ मेरे मन में है, इसलिए मैंने आपको आज गाइड किया चाय के बारे में। मैं अंत में फिर कह दूँ, बैड टी इज़ बैड टी, इसको ध्यान में रखें, और जितना हो सके दूध फल छाछ घी मक्खन ठंडाई सत्तू, मैं बहुत पसंद करता हूँ चने के, मीठे भी बन जाते हैं नमकीन भी बन जाते हैं, जौ के सत्तू, इनको आप मथ करके पी सकते हैं। कभी कभी आप खीर, और खीर जैसी पतली पतली उसका पानी ठंडा आप ले सकते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं, जूस भी एक फ्रूट का नहीं है, 200 हैं भगवान के दिए हुए। आप बदल बदल कर आहार लें, बदल बदल कर चीज़ें लें, पैसा भले ही उतना ही लगता है, कई लोग समझते हैं इसमें ज़्यादा लग जाएगा, हम कहाँ कहाँ क्या क्या लाते रहेंगे, भाई अपना शरीर है, अपने शरीर में इन्वेस्ट नहीं किया। बाहर आपने बिल्डिंगें खड़ी कर ली, आपके बहुत बड़े फ्लैट हो गए, या आपने लोन रीपे कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, ईएमआई पे पता नहीं क्या क्या ले लिया है, माफ़ करें मैं आपके पर्सनल जीवन में नहीं झांक रहा, लेकिन ऐसा कर रहे हैं लोग। तो अब जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप सुबह उठ के फल खा लें, बदल बदल के खा लें, तुरंत नीचे कमेंट्स में कह देंगे कि भाई हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है आपकी तरह फालतू का, जो आप ऐसे भाषण देते रहते हो हम नहीं कर सकते। अरे भाई किसने कहा है कि ऐसा करना, सुबह उठ के भुने हुए चने ले लो, अगर कफ जुकाम है तो, नहीं तो आप भिगो लो चने एक मुट्ठी आधी मुट्ठी, वही सुबह उठ करके पहले आहार के रूप में लो, खजूर वाला दूध लो, कुछ ऐसी चीज़ें लो, आपको दिखेगा कुछ दिनों में, नहीं तो कुछ हफ्तों में ही सही, नहीं तो कुछ महीनों में ही सही, शरीर में जो भी आप डालते हैं वो शुरू में लगता होगा कि नहीं लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप पूरी ज़िंदगी को एक सिस्टमेटिक वे देते हैं, एक रास्ता एक ढंग देते हैं, तो हर चीज़ अपना असर दिखाती है, दिखता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी खुद की बनाई हुई कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे उत्पाद जो मैं बहुत गहराई में रिसर्च करके बहुत प्योरिटी से
उम्दा क्वालिटी के बनाता हूँ, वो है आनंदम आयुर्वेद के नाम से उपलब्ध। आप उन्हें www.sanskritibazaar.com पर जाकर के ज़रूर एक बार आजमा कर देखें। आंवला तेल है जो कि आपको, आंवला तेल ही नहीं, उसमें और भी कई ऐसी औषधियाँ मिली हुई हैं उसमें जो कि उसको एक संपूर्ण तेल बनाती हैं। हर उम्र का बच्चा बड़ा हर व्यक्ति लगा सकता है। इसी तरह से उसमें कई ऐसी औषधियाँ हैं जीवन को बचाने के लिए, और भी मैं बनाता ही रहूँगा क्योंकि आप इसको आजमाएं और मेरे को उसकी फीडबैक भी दें और भी इसको हम आगे बढ़ाएं आयुर्वेद को मिलकर के। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।